Hello students, so our today's topic is methods of data collection. मतलब हमने रिसर्च का एक पार्ट हमने देखा है. रिसर्च प्रोसेस में ये इंक्लूड है कि हमें रिसर्च करने के लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करना पड़ता है और उसी डेटा के आधार पर हम क्या करते हैं, आगे जो रिसर्च का एनालिसिस है वो क्रिएट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और रिजल्ट तक आगे पहुंचते हैं. ठीक है, तो अब डेटा कलेक्शन की दो प्रकार होते हैं, दैट इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. ठीक है, फर्स्ट आई हैव टू टेल यू व्हाट इज प्राइमरी डेटा देन सेकेंडरी डेटा. ठीक है, प्राइमरी डेटा वो होता है जो सबसे पहले आप कलेक्ट करते हो. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इफ यू आर कलेक्टिंग द डेटा, इट इज नोन एज अ प्राइमरी डेटा. मतलब जैसे यू आर डूइंग अ रिसर्च, ओके, आप रिसर्च कर रहे हो और जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ऐसे कुछ डेटा आपके पास अवेलेबल है जिसको आपने कहीं से लिया है. ठीक है, बट जब पहली बार किसी चीज पर जब रिसर्च हो चुकी है उसके बाद फिर से रिसर्च हो रही है और ऐसा कोई डेटा आप वहां से कलेक्ट कर रहे हो जो पहले किसी ने नहीं किया था, इसे प्राइमरी डेटा कहा जाता है. ठीक है, सेकेंड वन इज द सेकेंडरी डेटा. अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये ऐसा डेटा होता है जो कहीं पर अवेलेबल है और उस डेटा को आप अपने रिसर्च में काम के लिए यूज कर रहे हो और वो डेटा आप वहां से उसको कलेक्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी पहले कोई कलेक्ट कर चुका है. सो इट इज नोन एज अ सेकेंडरी डेटा. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा. ठीक है, तो सबसे पहले मेथड क्या है प्राइमरी डेटा की, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मतलब एज यू आर द रिसर्चर, ठीक है, आप डायरेक्टली पॉपुलेशन के पास गए, आपने डायरेक्टली जानकारियां निकाली, तो इसे कहा जाता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. ये डेटा आप कहीं और से कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या किसी के द्वारा कर रहे हैं. ओके, सो इट इज नोन एज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. यू आर कलेक्टिंग ऑन द प्राइमरी डेटा ही आप कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर कलेक्टिंग अ डेटा ऑफ दैट मैटर ऑफ दैट रिसर्च. ओके, बट इसके एक मैटर ये है कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो खुद ही कर रहे हो, आप डायरेक्टली पर्सनली उस व्यक्ति के पास जाकर के, उस पॉपुलेशन के पास जाकर के, आपने जो सैंपल लिया है उसके पास जाकर के आप वो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो. सेकेंड वन इज द इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ. अपनी बुक में है एग्जाम्पल, एक जैसे द क्लूज अबाउट मर्डर इज ऑब्टेन बाय पुलिस बाय इंटरोगेटिंग थर्ड पार्टीज. अब जैसे डेटा तो आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने आपका प्रॉब्लम फाइंड आउट किया है, उसमें से आप उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर रहे हो. अब एग्जाम्पल कोई मर्डर का इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो, ठीक है, सपोज कर लीजिए यू आर न्यूज चैनल, आप किसी न्यूज चैनल को बिलोंगिंग टू एनी न्यूज चैनल, आप न्यूज चैनल को बिलोंगिंग कर रहे हो और आप किसी मर्डर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो अब आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट टाइम डेटा तो कलेक्ट कर रहे हो, यू आर कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा, बट कहाँ से कर रहे हो, आप दूसरों से पूछ करके कर रहे हो, वहां से फैक्ट्स लेकर के कर रहे हो, लाइक आपने पुलिस से वो डेटा कलेक्ट किया, राइट, या किसी प्राइवेट डिटेक्टिव से आपने वो डेटा कलेक्ट किया, तो दिस इज नोन एज अ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, अब इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल करस्पॉन्डेंट्स. इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल करस्पॉन्डेंट का मतलब होता है, सपोज मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि सपोज आई एम बिलोंगिंग टू एनी न्यूज चैनल, अब मैं क्या करूँगी, सपोज मेरा जो न्यूज चैनल है वो दिल्ली का है, अब मैं दिल्ली का मेन मेरा ब्रांच है, मेरी हर जगह ब्रांचेस है, लाइक मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में, अब मैं वहाँ जो मेरे लोकल वर्कर्स काम कर रहे हैं, लोकल रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, अब मैं क्या कर रही हूँ, उस डेटा को मेरे वो लोकल रिपोर्टर्स,
हैदराबाद का जो मेरा रिपोर्टर है उससे ले रही हूँ, उससे इंफॉर्मेशन ले रही हूँ, उससे डेटा कलेक्ट कर रही हूँ. दिस इज नोन एज इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल करेस्पॉन्डेंट. नाउ मेल क्वेश्चनर. मेल क्वेश्चनर में कैसा होता है, मैं एक क्वेश्चनर तैयार करती हूँ, ठीक है, प्रश्नावली एक तैयार करती हूँ, है ना. अब मैंने क्या किया, मेल क्वेश्चनर के अंदर वो मेल क्वेश्चनर मैंने अंडर दिस मैटर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू सर्वे नोन एज क्वेश्चनर इज प्रिपेयर्ड एंड इज सेंड अलोंग विद कवरिंग लेटर टू द सिलेक्टेड इंफॉर्मेंट्स बाय पोस्ट हु आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश द नेसेसरी डेटा. मतलब मैंने कुछ ऐसे इंफॉर्मेंट्स को चुना है जिनको मैं ये क्वेश्चनर भेज रही हूँ और मुझे जो जानकारी चाहिए, मुझे जो मेरे क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो क्या होगी, वो क्वेश्चनर में मेरे इंफॉर्मेंट्स क्या करेंगे वो उसको पूरा फिलअप करके भेजते हैं. तो उनके थ्रू मैं ये डेटा कलेक्ट करूँगी. ओके, नेक्स्ट वन इज शेड्यूल्स टू बी फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स. एन्यूमरेटर्स का मतलब होता है गणना करते हैं, ठीक है. मैं ऐसे इस केस में भी क्या करती हूँ, शेड्यूल फिल्ड थ्रू एन्यूमरेटर्स. अंडर दिस मेथड अ टीम ऑफ एन्यूमरेटर इज सिलेक्टेड. इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक टीम को एन्यूमरेटर्स की, एक गणना करने वाले गणकों की मैं क्या करती हूँ, एक टीम सेलेक्ट करती हूँ. उनको मैं उसके लिए चुनती हूँ कि मुझे ये डेटा कलेक्ट करने के लिए सब ये बेस्ट टीम है, उनका मैं चयन करती हूँ. उनके द्वारा फिर मैं क्या करती हूँ, दे कॉन्टैक्ट द इन्फॉर्मेंट्स, गेट रिप्लाइज टू द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन अ शेड्यूल एंड फिल देम इन देयर होन एंड राइटिंग. मतलब जो ये गणक है अनुसूचियाँ भरने का काम करते हैं, जो भी शेड्यूल मैंने भेजा है वो शेड्यूल को भरने का काम करते हैं. ये टीम सूचना देने वाले से संबंध स्थापित करके अनुसूची में दिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करती है और उन्हें स्वयं के लिखावट में भरती है. गणक सबसे पहले जांच का उद्देश्य बताते हैं. तो इस प्रकार क्या होता है, मैं थ्रू द एलिमिनेटर्स जो गणक है उनके थ्रू, उनसे फिलअप करा करके मैं अपना प्राइमरी डेटा कलेक्ट करती हूँ. सो इन दिस वे वी हैव कलेक्टेड अवर प्राइमरी डेटा थ्रू दिस फाइव मेथड्स. नाउ अवर सेकेंडरी डेटा, मैंने आपको बताया सेकेंडरी डेटा वो होता है जो पहले से कहीं अवेलेबल होता है और उसको हम हमारे रिसर्च के उपयोग के लिए, रिसर्च में काम आने वाली चीज़ें हम उनसे कलेक्ट करते हैं, इसको सेकेंडरी डेटा कहा जाता है. अब सेकेंडरी डेटा हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, मैं कुछ नाम आपको बता रही हूँ, कुछ पब्लिश सोर्सेस से और कुछ अनपब्लिश सोर्सेस से. पब्लिश मतलब प्रकाशित और अंतर मतलब कि अनपब्लिश का मतलब होता है अप्रकाशित स्रोत, ठीक है. अब पब्लिश सोर्सेज, द वेरियस सोर्सेज ऑफ पब्लिश डेटा आर डिस्कस एज अंडर, लाइक जैसे ये इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हो गए, ऑफिशियल पब्लिकेशंस हो गए, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी एंड कमीशंस, इस प्रकार के जो भी पब्लिश डेटा होते हैं यहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं. और अनपब्लिश सोर्सेज, द सोर्सेज ऑफ अनपब्लिश सेकेंडरी डेटा आर वेरिड एंड इनडेफिनेट इन नंबर्स, ठीक है. वो मतलब कि पब्लिश नहीं होते हैं बट दे आर वेराइड, वो अलग अलग आंकड़े होते हैं उसके और दे इनडेफिनेट इन नंबर. दिस डेटा आर नॉट पब्लिश बिकॉज दे आर जनरली कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एंड अदर ऑफिसर्स. मतलब ये जनरली कौन कलेक्ट करते हैं अनपब्लिश डेटा, गवर्नमेंट और जो मतलब कहीं ऐसे डेटा में कहीं ना कहीं सीक्रेसी बहुत ज़रूरी होती है, मतलब कि प्राइवेसी मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए इन डेटा को पब्लिश नहीं किया जाता है. पर अगर उनसे ही रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट को रिसर्च करते वक्त वो डेटा की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं. सो इस प्रकार हमने देखा मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इस प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.